दोस्तों, यदि आपका भी एजुकेशनल चैनल है या बनाने की सोच रहे हो तो आप बना सकते हो दोस्तों। बहुत अच्छा जो है ग्रो करेगा। आज के टाइम में एजुकेशनल चैनल जो है बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप विदाउट वॉइस ओवर कैसे आप अपनी एजुकेशनल वीडियो तैयार कर सकते हो, कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू आप वॉइस ओवर करोगे, आज इस वीडियो में ये आपको मैं बताने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के मन में जो है ये सवाल भी होगा कि क्या कंप्यूटराइज वॉइस ओवर अगर हम करते हैं अपने वीडियो में तो हमारा जो चैनल है वो मोनिटाइज होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, घबराने की कोई भी बात नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तरीका, किस तरह से आपको वॉइस ओवर जो है करना है और आपका 100% चैनल जो है वो मोनिटाइज होगा। दोस्तों, घबराने की कोई भी बात नहीं है, चैनल मोनिटाइज हो रहे हैं और होगा, उसका एग्जांपल भी मैं आपको वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वो कौन सी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप वॉइस ओवर कर सकते हो। चलते हैं उस एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, उसके बाद मैं बताऊँगा मोनिटाइजेशन जो है आपका कैसे मिलेगा आपको। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर में आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है T2S ऐप, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, सेम ऐसे आपको टाइप करके सर्च कर देना है। यहाँ पर आपको सर्च रिजल्ट में आपको सेकंड नंबर पर दिख रहा है T2S टेक्स्ट टू वॉइस। तो इसी एप्लीकेशन को हमें इंस्टॉल कर लेना है, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए मैं डायरेक्टली इसको जो है ओपन करूँगा। बट उससे पहले आप देख सकते हो कि इसके डाउनलोड्स कितने ज़्यादा है, उसकी रेटिंग भी 4.1 जो है यहाँ पर शो हो रही है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी जो है एक एप्लीकेशन है और यहाँ पर अनलिमिटेड वीडियोज़ आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ये ब्लैंक रहेगा सब कुछ, मैंने थोड़ा काम किया था यहाँ पर इसलिए ये शो हो रहा है। एंड यहाँ पर आपको मेनली सेटिंग्स क्या करनी है वो देख लेते हैं। सबसे नीचे कॉर्नर में राइट साइड में एक सेटिंग्स का जो आइकन दिख रहा है, इसी के ऊपर टैप करेंगे और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आपके सामने ओपन हो जाती है। अब इन सेटिंग्स में सबसे ऊपर जो है स्पीच सर्विसेज बाय गूगल या सिस्टम डिफ़ॉल्ट स्पीच इंजन, हमें सबसे ऊपर वाला ही रहने देना है, हमेशा इसी के ऊपर जो है काम करना है, स्पीच सर्विसेज बाय गूगल। यहाँ पर अपनी जो स्पीच वॉइस है वो आपको सेलेक्ट करनी है। आपको कोई भी लैंग्वेज जो यहाँ पर शो हो रही है, जैसे हिंदी है तो हिंदी में आप जो है यहाँ पर लैंग्वेज जो है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पर मैनेज वॉइस डाटा को आप जब टैप करोगे तो बहुत सारी आपके सामने जो है लैंग्वेजेस जो है वो आ जाती है। तो आप किसी भी लैंग्वेज जो आपको, जिस भी लैंग्वेज में आपको वीडियो क्रिएट करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। एंड जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है, जैसे यहाँ पर साइज़ दिखा रहा है 22 MB, इसके सामने आपको यहाँ पर आपको डाउनलोड का आइकन जो है शो होगा। आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास नीचे ये चार ऑप्शंस जो है वो ओपन होते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप की जो है वॉइस आपको यहाँ पर मिल जाती है, जैसा कि एग्जांपल के लिए मैं आपको सुनवा देता हूँ। ये हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। ये हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, ये आपने सैंपल्स देखे और ये फ्री वर्जन के ऊपर है और चार आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं वॉइस के। तो आप अपनी चार पांच वीडियो एक वॉइस के ऊपर बनाएं, फिर अगली जो वीडियो आप बनाओगे चार पांच वीडियो के बाद तो उसमें आप वॉइस को चेंज कर दीजिए, दूसरी वॉइस सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आपके चैनल पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मोनिटाइजेशन ईजिली हो जाएगा और वॉइस आप देख सकते हो क्वालिटी एकदम से जो है जेन्युइन लग रही है, कंप्यूटराइज जो है लगी नहीं रही। आप सही से वीडियो क्रिएट करोगे तो अच्छे से आपका वीडियो जो है बनेगा। यहाँ पर मैंने सैंपल के लिए क्वेश्चन टाइप किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको टाइप करना है, किस तरह से लिखना है। तो इसी तरह से आपको भी टाइप करके जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है पुट करना है। और यहाँ पर आप जब, मेन बात है प्रैक्टिस की, जब प्रैक्टिस करेंगे मेहनत करेंगे तो आप बहुत कम समय में ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो ये मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप अच्छे से टाइप करके जो है अच्छे से अपने वीडियो को क्रिएट करिएगा। आपका दूसरा प्रश्न है, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? आपके ऑप्शंस है ए सूरदास के, बी कनिष्क के, सी री डी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कनिष्क के। तो जैसे ही आपका इस तरह से क्वेश्चन रेडी हो जाएगा, आपको उसको ऑडियो को सेव कैसे करना है, आप यहाँ 3 डॉट ऊपर देख रहे हो, इसको जब आप टैप करोगे तो सेकंड नंबर पर एक्सपोर्ट एज ऑडियो फाइल, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करते ही आपके गैलरी में आपको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आप देखिए
क्वेश्चन का नाम लिखा हुआ है, आप यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ और भी टाइप करके सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर ये वीडियो सेव आपका इस तरह से हो गया है। अब इसको क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो है वो अपना पुट करिएगा, टाइप करिएगा, उसके बाद इसी तरह से इसको भी आप जो है सेव कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने क्वेश्चंस को ऑडियो फॉर्मेट में यहाँ पर जो है वो चेंज कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी ऐप है और अनलिमिटेड वीडियो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है, अहम सवाल जो है वो ये है कि क्या हमारा चैनल मोनेटाइज होगा, क्योंकि बहुत से लोगों का यही सवाल है कि चैनल कंप्यूटराइज वॉइस से मोनेटाइज होता है या नहीं होता है। तो उसका मैं एग्जांपल आपको उसके कुछ देने वाला हूं, जिससे आप समझ जाओगे कि लोग किस तरह से पैसा छाप रहे हैं यहां पर। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने चैनल ओपन कर लिया है BRGK स्टडी का। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इनके वीडियोज़ में जाकर, आप यहाँ पर देखिए वन डे एगो 10K व्यूज़, ये व्यूज़ आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर पॉपुलर वीडियोस में अगर जाएं तो आप देखोगे यहाँ पर 2 ईयर्स एगो 22 मिलियन व्यूज़, ये सारी चीज़ें जो है आपके सामने आप देख सकते हो क्लियरली। और बात करें अगर इनके चैनल की, कब इन्होंने चैनल क्रिएट किया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनका चैनल जो है क्रिएट हुआ था 7 अप्रैल 2021 को। एक और चैनल का एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, नाम है मिस्टीरियस स्टोरी। अब इस चैनल पर आप देख सकते हो सब्सक्राइबर जो हुए हैं वो हुए हैं 1,62,000, और इसको क्रिएट किया गया है वो भी आपको दिखा देता हूँ, क्रिएट डेट क्या है इसकी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 14 जनवरी 2023 यानी इसी साल के जनवरी महीने में इसको क्रिएट किया गया था, और आप देख सकते हो कितनी पॉपुलरिटी, कितनी जो है जल्दी ये चैनल ग्रो किया है। और इसकी वीडियोस को देखोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कंटेंट कोई खास नहीं है, वही क्वेश्चंस जो है उठाए हुए हैं जीके के। एंड पॉपुलर वीडियोस में जाओगे तो देख सकते हो 1 मंथ है वो 5.4 मिलियन व्यूज़, इस तरह से आप व्यूज़ इसके देख सकते हो। अब मैं आपको इनकी अर्निंग्स भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरा जो है यकीन हो जाए। यहाँ पर आप देखोगे BRGK का मैंने जो है सोशल ब्रेड के ऊपर चैनल को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर इनकी अर्निंग्स की बात करें तो आप क्लियरली देख सकते हो कि मंथली एस्टिमेटेड जो रिवेन्यू है वो है $722 मिनिमम। मिनिमम की बात कर रहे हैं, इससे 2 गुना 3 गुना ही होता है वैसे, और यहाँ पर बात करें तो 50-60 हज़ार मिनिमम जो है यहाँ पर बन रहा है। और बात करें अगर मिस्टीरियस स्टोरी की तो आप हैरान रह जाओगे। आप मिस्टीरियस स्टोरी की जो अर्निंग देखोगे, मंथली अर्निंग रिवेन्यू जो है इसका वो है $3,600 मिनिमम जो है मंथली एस्टिमेटेड रिवेन्यू जो है इनका बन रहा है। अब आप देख सकते हो कि इस चैनल ने BRGK को भी पीछे छोड़ दिया है, ये चैनल इतनी तेज़ी से ग्रो किया है। तो मैं आप लोगों से दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार इस चैनल के ऊपर या BRGK दोनों चैनल के ऊपर आप एक बार जाएं और इनकी वीडियोज़ को वॉच करें, देखें कि इनकी वीडियोज़ में जो वॉइस ओवर है वो कैसा है। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कंप्यूटराइज वॉइस ओवर से चैनल मोनेटाइज हो रहे हैं और अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। दोस्तों आई होप दोस्तों आपका जो डाउट था चैनल मोनेटाइजेशन को लेकर एजुकेशनल चैनल के ऊपर वो क्लियर हो चुका होगा। अब आप ईजिली अपनी वीडियो क्रिएट कीजिए और अपने चैनल को ग्रो कीजिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए गुड बाय।